चैनल स्मिता यादव और आज जो मेकअप लुक आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्विक एंड ईजी समर लुक होगा। और मैं नॉर्मली डे टाइम पे इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ इतना ज़्यादा हैवी मेकअप करना, सिंपल सा मेकअप लुक होगा। आई होप आप सबको पसंद आए। वो ज़्यादा बात नहीं करूँगी, विदाउट फर्दर डू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पे मैं अपने बालों को अच्छे से टाई कर लूँगी और साथ ही साथ होममेड टोनर जो मैंने घर पे बनाया वो यूज़ करूँगी। मैं अलग से वीडियो बना के आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि ये होममेड टोनर मैंने घर पे कैसे बनाया। मैं कॉटन के हेल्प से स्किन को अच्छे से वाइप आउट कर लूँगी। और ये ग्रीन टी टोनर है, मेरे पास एक्चुअली कुछ था नहीं ये टोनर रखने के लिए, तो पुराना एक बॉटल था मेरे पास गुलाबरी का, तो मैंने इस पर ही ये टोनर घर पर बना के रख दिया। मैं यूज़ करने वाली हूँ पर्पल का ग्रेपफ्रूट मॉइस्चराइजिंग क्रीम। ड्राई स्किन वालों के लिए ये क्रीम बहुत अच्छा है। यूज़ करने वाली हूँ मार्स का प्राइमर। कोई भी मेकअप करने के पहले प्राइमर लगाना बहुत ज़रूरी होता है, हमारे मेकअप को अच्छे से होल्ड करके रखता है। मेरे जितने भी ड्राई स्किन एरिया है जैसे नोज एरिया है वहाँ पर मैं अच्छे से ये प्राइमर लगा लूँगी। यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का ये कोकोनट लिप बाम। यूज़ करने वाली हूँ मैबेलिन का एज रिफाइन कंसीलर। आप देख सकते हो मैंने इसको इतना यूज़ किया है कि हालत टोटल ख़राब हो चुकी है। एंड गाइस आई विल हाईली रिकमेंड यू, ये कंसीलर बहुत अच्छा है, चाहे डार्क स्पॉट हो या पिंपल के मार्क हो अच्छे से कवर कर देता है। यहाँ पे मेरे थोड़े से डार्क स्पॉट है, मैं उसको अच्छे से कवर अप कर लूँगी। जॉनसन बेबी का पाउडर ले लूँगी, मैं कॉम्पैक्ट की जगह ये पाउडर यूज़ करूँगी और अच्छे से अपने मेकअप को सेट कर लूँगी। कॉन्टोर के लिए मैं ये पैलेट यूज़ करूँगी। मैं इसका लिंक आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि ये मेरे मामा जी ने मुझे गिफ्ट किया, मुझे नहीं पता उन्होंने कहाँ से लिया था। और यहाँ पे मैं एकदम लाइट कॉन्टोर करूँगी, इतना डार्क कॉन्टोर नहीं करने वाली हूँ। अपने आई मेकअप के लिए मैं ये लाइट ब्राउन कलर यूज़ करूँगी और मैं एक ही कलर से अपना आई मेकअप करूँगी। सेम पैलेट से मैं ये हाइलाइटर का शेड लूँगी कि मेरे आई मेकअप को थोड़ा सा मैं डिफाइन लुक दूँगी। यहाँ पे मैं काजल यूज़ नहीं करके व्हाइट कलर का ये लाइनर यूज़ कर रही हूँ।
तो मैं ब्लू हेवन का मस्कारा यूज कर रही हूँ। यहाँ पे मैं मस्कारा के बाद यहाँ पे आईलैशेस कलर यूज कर रही हूँ। मस्कारा के बाद आईलैशेस कलर यूज करने से जो लैशेस होते हैं वो अच्छे से सेट हो जाते हैं। यहाँ पे मैं वही सेम पैलेट से ये हाइलाइटर यूज कर रही हूँ और अपने नोज पे भी सेम हाइलाइटर मैं यूज करूंगी। यहाँ पे मैं एक लाइट पिंक कलर का लिपस्टिक यूज कर रही हूँ और अपने चिक्स पे मैं पिंकिश लुक देने के लिए मैं यूज करूंगी। मैं ये यूज कर रही हूँ कलर बार का चेरिश कलर में ये लिपस्टिक है और मैं ये अपने लिप्स पे लगा लूंगी। और ये स्विस ब्यूटी का ये मेकअप फिक्सर है जो मैं ये यूज करने वाली हूँ। मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने अपना जो हेयर कैसे टाई किया था। एक सिंपल पोनीटेल बांधना है, कोई भी आप रबर बैंड से आप अच्छे से बांध लो उसको और उसको अच्छे से ट्विस्ट करना है। यहाँ पे मुझे मेरा जो ब्लैक कलर का जो ये क्लिप था मुझे नहीं मिल रहा था, तो मैंने एक आप लोग को दिखाने के लिए मैंने एक ब्राउन कलर का ले लिया और मैं इसको जस्ट सिंपल तरीके से ऐसे टाई कर लूंगी। यहाँ पे मैं ये जो हेयर बैंड का जो ऊपर का जो दो पार्ट है वो मैं हेयर बैंड के इनसाइड रख दूंगी और जिससे वो दिखे ना, और ये ऐसे लगाने से चेहरे पे एक क्यूट लुक दिखता है। होप आप सबको ये लुक पसंद आया होगा। अगर लुक पसंद आया होगा देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड दोस हु आर न्यू टू माय चैनल डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट वील गेट ऑल द नोटिफिकेशंस देयर। टिल देन आई विल बी बैक माय नेक्स्ट वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, टेक केयर।